बच्चों पिछले वीडियो में हम लोगों ने 52 क्वेश्चन कंप्लीट किया था, आइए अब हम लोग 53 क्वेश्चन से कंटिन्यू करते हैं। प्रश्न नंबर 53, हारे को हरि नाम शीर्षक काव्य ग्रंथ के रचनाकार हैं। चार ऑप्शन दिया गया बच्चों, राइट आंसर है रामधारी सिंह दिनकर। प्रश्न नंबर 54, किस काव्य कृति पर अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, कितनी नावों में कितनी बार। प्रश्न नंबर 55, आधुनिक हिंदी साहित्य के द्विवेदी युग का नामकरण किस रचनाकार के नाम के आधार पर किया गया, राइट आंसर बच्चों हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न नंबर 56, राग दरबारी के रचनाकार का क्या नाम है, राग दरबारी रचनाकार हैं श्रीलाल शुक्ल, राइट आंसर श्रीलाल शुक्ल हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 57, निम्न में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ नहीं पूछ रहा है, तो राइट आंसर अनल हो जाएगा। प्रश्न नंबर 58, मुख का विलोम शब्द है अमुक सुख शुभ वाचाल, तो राइट आंसर बच्चों हो जाएगा मुख का वाचाल। प्रश्न नंबर 59, बाण भट्ट की आत्मकथा है एक कहानी एक आत्मकथा एक उपन्यास, इनमें से कोई नहीं, राइट आंसर बच्चों हो जाएगा एक उपन्यास। प्रश्न नंबर 60, निम्न में से किस कवि ने सिर्फ अवधि भाषा में ही रचना की, कबीर तुलसी सूरदास जायसी, तो राइट आंसर बच्चों हो जाएगा जायसी। प्रश्न नंबर 61, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो प्रस्तुति पद के रचयिता का नाम है मीराबाई। प्रश्न नंबर 62, आल खंड का दूसरा नाम है सूरदास मीराबाई कुंभनदास तुलसी परमाल रासो, तो राइट आंसर बच्चों हो जाएगा परमाल रासो। प्रश्न नंबर 63, निम्न में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं पड़ती है, क्वेश्चन में नहीं है बच्चों, ब्रजभाषा अवधी बुंदेली कन्नौजी, तो राइट आंसर बच्चों हो जाएगा अवधी। प्रश्न नंबर 64, अधिकांश साहित्यकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि हैं सरहपाद, राइट आंसर बच्चों हो जाएगा सरहपाद। प्रश्न नंबर 65, खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम है, कवि का नाम है बच्चों अमीर खुसरो। प्रश्न नंबर 66, आदिकालीन हिंदी साहित्य को सिद्ध सामंत काल कहने वाले विद्वान का नाम है, विद्वान का नाम बच्चों राहुल संकृत्यायन है। प्रश्न नंबर 67, जगदीश शब्द की सही संधि विच्छेद होगी जगत प्लस ईश। प्रश्न नंबर 68, एक भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम था, तो राइट आंसर बच्चों हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी। प्रश्न नंबर 69, संशय की एक रात के लेखक हैं, तो राइट आंसर बच्चों नरेश मेहता। प्रश्न नंबर 70, तार सप्तक का संबंध किस काव्यधारा से है, तो राइट आंसर बच्चों हो जाएगा प्रयोगवाद। प्रश्न नंबर 71, जो पहले कभी ना हुआ हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शुद्ध एक शब्द है, तो एक शब्द है बच्चों अभूतपूर्व। प्रश्न नंबर 72, हिंदी में प्रयुक्त शब्द बाल्टी शब्द भंडार की दृष्टि से किस तरह का शब्द है, तत्सम तद्भव देशज विदेशज,
तो बच्चों बाल्टी शब्द जो है विदेशज है। प्रश्न नंबर 73, निम्न में से कौन भरत मुनि के रस सूत्र का एक व्याख्याकार नहीं है। क्वेश्चन में बच्चों नहीं पूछ रहा है। राइट आंसर बच्चों हो जाएगा क्षेमेंद्र। प्रश्न नंबर 74, कालिदास की रचना रघुवंशम है एक महाकाव्य। प्रश्न नंबर 75, बनारसी दास जैन ने लिखी थी हिंदी की पहली आत्मकथा। राइट आंसर बच्चों हो जाएगा हिंदी की पहली आत्मकथा। प्रश्न नंबर 76, रसों के संचारी भावों की कुल संख्या होती है 23, 27, 33, 37। तो राइट आंसर बच्चों हो जाएगा 33। प्रश्न नंबर 77, जिस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त किसी एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हो उस पंक्ति में अलंकार होता है रूपक, अनुप्रास, श्लेष, यमक। बच्चों राइट आंसर हो जाएगा श्लेष, श्लेष अलंकार होता है। प्रश्न नंबर 78, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा है, प्रेत कहा था? भूषण, देव, केशव, पद्माकर। तो राइट आंसर बच्चों हो जाएगा केशव। प्रश्न नंबर 79, वाक्य रसात्मक काव्यम काव्य परिभाषा के प्रसुतोता हैं आचार्य विश्वनाथ। प्रश्न नंबर 80, परमाल रासो काव्य कृति के कवि का नाम है, कवि का नाम बच्चों जगनिक। प्रश्न नंबर 81, प्रीति शब्द के प्रथमा बहुवचन का रूप है पितर। राइट आंसर बच्चों पितर। प्रश्न नंबर 82, नीलोत्पल शब्द में समास है कर्मधारय समास। प्रश्न नंबर 83, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द को चुनिए, धुआं, संध्या, धावा, भत्ता। तो राइट आंसर बच्चों हो जाएगा संध्या, संध्या स्त्रीलिंग है। प्रश्न नंबर 84, लाल तारा के रचनाकार हैं, लाल तारा के रचनाकार हैं राम वृक्ष वेणीपुरी। प्रश्न नंबर 85, चतुरी चमार उपन्यास है प्रेमचंद, निराला, जैनेन्द्र, भगवती चरण वर्मा। तो राइट आंसर बच्चों हो जाएगा निराला। प्रश्न नंबर 86, भक्ति काल को सबसे पहले किसने हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा? तो राइट आंसर बच्चों हो जाएगा ग्रियर्सन। प्रश्न नंबर 87, चंडी चरित्र किसकी विशिष्ट साहित्यिक रचना है? तो राइट आंसर बच्चों हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह की। प्रश्न नंबर 88, तुलसीदास चंदन घिसे के लेखक हैं हरिशंकर परसाई। प्रश्न नंबर 89, रजिया बेगम किसकी रचना है? तो रजिया बेगम बच्चों किशोरी लाल गोस्वामी जी की है। प्रश्न नंबर 90, मात्रिक विषय संयुक्त छंद है कुंडलियां। राइट आंसर बच्चों हो जाएगा कुंडलियां। प्रश्न नंबर 91, परुष का विलोम शब्द है, परुष का विलोम बच्चों कोमल। प्रश्न नंबर 92, जंगम का विलोम शब्द है, जंगम का विलोम बच्चों स्थावर। प्रश्न नंबर 93,
इनमें से बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, नहीं है पूछ रहा बच्चों, जलद मेघ वारिद बादल का है और जलद जो है बादल का पर्यायवाची नहीं है। प्रश्न नंबर 94, अन्न को पचाने वाली अग्नि है, तो अन्न को पचाने वाली अग्नि बच्चों जठराग्नि है। प्रश्न नंबर 95, संदेश रासक के रचयिता हैं, संदेश रासक के रचयिता बच्चों अब्दुल रहमान हैं। प्रश्न नंबर 96, कालिदास हजारा की रचना की, राइट आंसर बच्चों कालिदास ने। प्रश्न नंबर 97, आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक हैं, अध्यापक पूर्ण सिंह। प्रश्न नंबर 98, सुलोचना निबंध संकलन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राइट आंसर बच्चों हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रश्न नंबर 99, तूफानों के बीच नामक रिपोर्ट तार्ज के लेखक हैं, राइट आंसर बच्चों हो जाएगा रांगे राघो। प्रश्न नंबर 100, घुमक्कड़ शास्त्र यात्रा वृत्त के लेखक हैं, राहुल संकृत्यायन। बच्चों आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।